हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डर्माकॉस के दो प्रोडक्ट्स। एक है डर्माकॉस मल्टी वाइटामिन क्रीम, ये मसाजिंग क्रीम है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है और इसमें सारे मल्टी वाइटामिन्स हैं, ए बी सी डी ई, आप जितने वाइटामिन्स आप सोच सकते हैं ना, वो सब वाइटामिन उन्होंने इस क्रीम में डाले हुए हैं। और ये कॉलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है, आपकी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, ठीक है। इसका मसाज अगर आप डेली रात को कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर, तो ये आपका मॉइस्चर जो है, आपका पीएच लेवल जो है वो बैलेंस रखेगी, ठीक है। इसकी मसाज आप 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, डेली आप कर सकते हैं, बिकॉज मल्टी वाइटामिन क्रीम है, आप वाइटामिन्स लेते भी हैं। और अगर ऐसी कोई क्रीम आपको मिल जाए जिसमें सारे वाइटामिन्स हों, तो आपके लिए ये सेफ़ होती है यूज़ करनी फेस पे, क्योंकि वाइटामिन्स जो हैं वो हमारी फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी सेल री ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और डर्माकॉस का ये प्रोडक्ट जो है, ये मैंने यूज़ किया है और ये मुझे बड़ा पसंद है इनका ये प्रोडक्ट। और मैंने इसका रिव्यू इसीलिए किया है क्योंकि इसको मैंने स्किन पे यूज़ करके देखा है, ये आपकी एजिंग साइन को रिड्यूस कर देता है, आपकी स्किन फर्म हो जाती है, आपकी स्किन का कॉलेजन लेवल एज के साथ साथ आपका कॉलेजन प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो है आपके कॉलेजन को बूस्ट करेगी, ठीक है। तो ये क्रीम जो है, इसको अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि इसको आपने लगाना कैसे है या इसका प्रोसेस कैसे है, ठीक है। ये सिंपल मसाज क्रीम है, ठीक है। इससे आपने अपनी स्किन को 5 मिनट्स तक मसाज करना है, बड़े जेंटली मसाज अपने स्किन को करना है, अपनी स्किन को हार्श ट्रीट नहीं करना। ऊपर की लिड जब आप खोलते हैं तो उसमें स्पून्स निकलते हैं, एक लगाने के लिए होता है, एक मेजरमेंट का स्पून होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी ये नीचे की लिड खोलते हैं तो इसमें ये आपको क्रीमी सी मसाज क्रीम इनकी मिलती है, जो बहुत क्रीमी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है। इसको अगर आप खाली क्रीम को भी मसाज कर लें और इसमें बेशक आप वाटर ना लगाएं, साथ पानी को ना ऐड करें, तो तब भी इसका बहुत अच्छा मसाज होता है। रात में आप ये मसाज क्रीम यूज़ करें, अपने फेस को मसाज करें 5 मिनट्स के लिए, जेंटली अपनी फिंगर टिप से आपने अपने फेस को मसाज किया, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आपने इसको नेक पे भी करना है, क्योंकि हम अपनी नेक को अवॉइड कर देते हैं तो फिर दो स्किन टोन्स में आपको वो डिफरेंट, नेक डिफरेंट लगती है और आपका फेस डिफरेंट लगता है, ठीक है। इसको आपने जेंटली मसाज करके उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर 5 मिनट्स के लिए रहने देना है, ताकि ये प्रॉपरली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, जितने भी इसके अंदर वाइटामिन्स हैं और जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपरली हमारी स्किन को मिल जाएं। उसके बाद आपने अपनी स्किन को क्लीन वाटर के साथ रिंस कर लेना है, साफ़ कर लेना है, स्पंज से कर लें या आप अपने फेस को वॉश कर लें, ठीक है। और ये देखें, आप विजिबली अपनी स्किन में सॉफ्ट फील करेंगे, उसको सपल स्मूथ स्किन हो जाएगी, आपकी रेडिएंट लगेगी और स्किन के ऊपर से सारी डर्ट और आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा, अगर आप मेकअप रिमूव करना चाहते हैं तो। ये मसाज क्रीम अगर आप डेली नहीं यूज़ करना चाहते तो आप वीक में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि ऊपर बाजू में और नीचे हाथ में विजिबली डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि स्किन आपकी एकदम से ब्राइट होती है। तो ये क्रीम जो है, ये मेरी मैंने अपनी यूज़ में लेके आई हूँ। अच्छा, सेकंड चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ये है जी पीलिंग, इनकी पीलिंग क्रीम। अगर आप कोई भी पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑर्डिनरी का AHA BHA यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने वो बंद कर देना है, ठीक है। अगर आपने ग्लाइकोलिक पील स्किन पे करनी है तो जस्ट स्टिक टू 1 ग्लाइकोलिक पील, आप 2-2 पील्स नहीं कराएंगे, ठीक है, और ना ही आप लेज़र ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे। स्किन पीलिंग क्या होती है? स्किन पीलिंग होती है रीसर्फेसिंग पीलिंग क्रीम, आपकी सरफेस के ऊपर से आपकी स्किन की लेयर को हटा देती है, पील ऑफ कर देती है और नीचे से आपको स्मूथ, यंग और बहुत ही सपल स्किन देती है, ठीक है। ये पीलिंग जो होती है ये आप डेली नहीं कर सकते, सेंसिटिव लोग जो हैं वो हफ्ते में सिर्फ 1 बार पीलिंग क्रीम से पील करेंगे। मैं भी आपको बताती हूँ आपने करना कैसे है। और जो नॉर्मल स्किन है या जिनकी
ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, वो वीक में दो बार भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसके पीछे सारा इसका मेथड दिया गया है कि आपने इसको किस तरह से पील करना है और इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने एक अच्छी लेयर अपनी स्किन के ऊपर इसकी लगा लेनी है, ठीक है, और टाइमर लगा लेना है आपने अपने टेलीफोन पे या अपनी घड़ी पे, कोई किसी जगह भी 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम से ज़्यादा अपनी स्किन के ऊपर इसको नहीं रहने देना, क्योंकि इट्स अ पीलिंग क्रीम तो ये पील ऑफ करती है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है जैसे ऑर्डिनरी का पीलिंग सॉल्यूशन या पीलिंग केमिकल वर्क करता है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ एक साथ 2 पील ना यूज़ कीजिएगा। अब आपने डर्माकॉस का पील, ग्लाइकोलिक पील यूज़ किया, ठीक है, इसको आपने 2 मिनट्स के लिए अपनी स्किन के ऊपर छोड़ा और 2 मिनट्स के बाद आपको विजिबली अपनी स्किन के अंदर डिफरेंस फील होगा। और ये डिफरेंस एक दफ़ा पील करने से फील नहीं होगा, एक दफ़ा करने से अभी आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है, ये आपके सामने है, लेकिन इसको आपने ओवर द मंथ्स करना है और उसके बाद फिर आपकी स्किन में विजिबली आपके ब्लर आउट हो जाएंगे, एक्नी स्कार्स, आपकी एजिंग को स्लो करेगा, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट लुक देगा। और आपने इसका यूज़ भी बहुत ही ध्यान से करना है, वीक में मेरी सजेशन है कि वीक में एक बार करें, और अगर आपने एक बार नहीं करना तो आप वीक में 2 बार कर लें बस। तो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। और डू सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपका रिज़ल्ट कैसा आया पील ऑफ के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।